महामारी नूं रोकण लई पिछले 61 दिनां तों लागू कीते गए देशव्यापी तालाबंदी कारण सारे मॉल बंद हन। इस दौरान खरीदारी केंद्र दे उद्योग नूं बहुत नुकसान होया है। मॉल दे बंद होण कारण इस उद्योग नूं पिछले 2 महीनियां विच लगभग 90,000 करोड़ दा घाटा होया है। ये जानकारी शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी SCAI ने दी है। SCAI ने कहा है कि मॉल सेक्टर नू RBI द्वारा रेपो रेट कटौती अते वधे हुए कर्जे दी मुआफी तो वध दी जरूरत है। उद्योग बोर्ड ने एक बयान विच कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चुके गए राहत उपयोग उद्योग दिया तरलता दिया जरूरतां नू पूरा करन लई काफी नहीं हन। SCAI दे अनुसार एक आम गलत धारणा ए भी है कि वड्डे विकासकर्तावां प्राइवेट इक्विटी खिडारियां अते विदेशी निवेशकां दे निवेश नाल शॉपिंग सेंटर उद्योग सिर्फ महानगरां अते वड्डे शहरां दे आसपास केंद्रित हुंदे हन। हालांकि ज्यादातर मॉल SMEs या स्टैंड अलोन डिवेलपर्स दा हिस्सा हुंदे हन, भाव कि 550 तो वध इकल्ले स्टैंड अलोन डिवेलपर्स दी मलकियत हन, जो देश भर विच 650 संगठित खरीदारी केंद्रां अते छोटे शहरां विच 1,000 तो वध अजिहे छोटे केंद्रां दा संचालन करदियां हन। SCAI दे प्रधान अमिताभ तनेजा ने कहा है कि संगठित खुदरा उद्योग संकट विच है अते तालाबंदी तो बाद कुछ भी कमाई नहीं हुई है। अजिही स्थिति विच उन्हां दी होंद दाव ते लगी हुई है। उन्होंने कहा कि इस सैक्टर नूं मुड़ सुरजीत करन लई सरकार दी लंबे समय दी लाभकारी योजना दी बहुत ज्यादा जरूरत है। तनेजा ने कहा कि तालाबंदी विच छोड़ दे बाद भी मॉल नूं खुलन दी इजाजत नहीं दिती गई, जिस नाल बहुत सारियां नौकरियां चलियां जाणगियां अते हो सकदा है कि बहुत सारे मॉल डिवेलपरां दीआं दुकानां भी बंद हो जाण। एसोसिएशन ने केंद्र अते भारतीय रिजर्व बैंक नूं दित्ती अपनी अर्जी विच ए वी कहा है कि RBI दे वित्ती पैकेज अते प्रोत्साहन दी घाट कारण 500 तो वध खरीदारी केंद्र बंद हो सकते हन, जिस नाल बैंकिंग उद्योग दा 25,000 करोड़ रुपए दा NP हो सकता है। और ताजा तरीन अपडेट्स लई बने रहो ग्लोबल पंजाब TV नाल। हुण तुसी देख सकते हो ग्लोबल पंजाब टीवी नू डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉइड जा iOS ते फ्री विच रोकू अते Amazon Fire TV ते जा Apple TV ते नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।